हमें वहां से जमीन मिल जाएगी, कोई मुझे गाड़ी दिला देगा, कोई मुझे ये दिला देगा। एक बात आप लोगों को पहले कथा में कही थी, एक छोटा सा लड़का गाड़ी देख रहा था, फोर व्हीलर गाड़ी बड़े अच्छे से देख रहा था। फोर व्हीलर गाड़ी को देखा तो गाड़ी का जो मालिक था उसने उसको कहा, आओ तुम्हें घुमा के लाता हूँ। उसने गाड़ी में उसको बिठा लिया, गाड़ी में बिठाया, बड़ा खुश हो रहा था छोटा सा बच्चा। गाड़ी के मालिक ने कहा, तुम सोच रहे होगे इतनी सुंदर गाड़ी है। हाँ, तो उस गाड़ी के मालिक ने कहा, मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट करी है, मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दी है। अब तुम सोच रहे होगे कि मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट करी, तुम्हारे पास भी ऐसी गाड़ी होना थी, तुम्हें भी कोई गिफ्ट करता। उस बच्चे ने कहा, नहीं मैं ये नहीं सोच रहा, मैं ये सोच रहा हूं। भोलेनाथ, मुझे भी ऐसा बनाना, मैं भी ऐसी गाड़ी किसी को गिफ्ट कर सकूं। कोई मुझे गिफ्ट करे वो बात नहीं, मुझमें मुझे ऐसा बनाना कि ऐसी गाड़ी मैं भी किसी को गिफ्ट कर सकूं, इतना मेरे बाबा मुझे देना। दुनिया के लोग आस लगाते हैं कि मुझे ये मिल जाए, दुनिया के लोग आस लगाते हैं मुझे ये गाड़ी मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, पर आपके अंदर भोलेनाथ के प्रति वो आस लगी होना चाहिए कि बाबा मुझे ऐसा देना कि जिंदगी में जैसे आज कोसी में श्री सुभाष जी, सौरभ जी और ये समिति बड़े भाव से कथा करा रही है, ऐसी कृपा मेरी झोली में डालना कि मैं भी जिंदगी में एक बार ऐसी शिव पुराण की कथा करवा सकूं, ऐसी कृपा करना। और खाली न जाता कोई तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। बाबा ऐसी करुणा मेरी जिंदगी